नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी है? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी माता रानी और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से आज बात करने वाली हूँ आपके आने वाले अगले दो दिनों के बारे में। दोस्तों आपका राशिफल में आपको जानने के लिए होना होगा सावधान, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके अपने ही बहुत बड़ा घात करने जा रहे हैं, विश्वासघाती हैं वो लोग। और आप सभी को बता दें यदि कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक सफल हो जाता है या फिर उसे किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं रहती है या फिर दोस्तों उसे कोई भी छोटी मोटी सफलता हाथ लग जाती है तो दोस्तों उसे नीचे गिराने के पीछे बहुत सारे लोग उनके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं और उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ तक कि आपके दोस्त बनकर आपके सामने कैसे भी वार कर सकता है, मजाक समझने की बिल्कुल भी भूल मत करना, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। इससे अच्छा आप इस वीडियो को देख करके होना होगा बेहद ही सावधान। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम इस वीडियो में बताया है कि ये घटना किन किन वजह से और किन कारणों के हो रही है और दोस्तों इनसे किस प्रकार बचना है, इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताया है। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लें। लेकिन अगर आप वीडियो द्वारा बताई गई सभी बातों से सावधान होकर कोई भी कार्य करोगे तो आपको वो दो गुनी नहीं बल्कि चार गुना लाभ देगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को बताई गई सभी बातों से सावधान रहें। और इसके साथ ही हम आपको बता दें इन बातों के बारे में बताएंगे कि इस समय आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा और दोस्तों आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या फिर नहीं, प्रेमी जोड़ों के लिए ये दिन कैसे रहेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। और उस विश्वासघाती व्यक्ति के बारे में भी बताएंगे जो आपके साथ में रहकर आपके घर में ही रहकर आपके सामने वार कर रहा है। बड़ी तीन खतरनाक घटनाएं हैं, समय समय रहकर आपको सावधान रहना होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज का दिन बहुत खास है तो आपको इसके साथ ही बोलना है जय महाकाल। सबसे पहले जान लेते हैं आपके बारे में कि आपके जीवन में किन चीज़ों को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए और आपका जीवन किन किन चीज़ों से सावधानियां रखकर बदलने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपको लोगों के साथ में बहस नहीं करनी है और आप दूसरों से बहस करके खुद को साबित करने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि मूर्ख ही बहस करते हैं और समझदार सिर्फ बोलते हैं और जो बुद्धिमान होते हैं वो सिर्फ स्थिति को परख कर चुप रहते हैं। दोस्तों अहंकार और संस्कार दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अहंकार दूसरे को झुकाकर खुश होता है, वहीं संस्कार स्वयं झुक करके खुश हो जाता है। दोस्तों दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। आज की जो दिन है आपके लिए यूं कह दे तो कई प्रकार से दोस्तों खास रहने वाला है। कोई भी काम यदि आप करेंगे तो उसमें रुकावट नहीं आएगी, लेकिन आपको बता दें काम करने से पहले आपको जानकारी हासिल होना ज़रूरी है, इससे आपका काम हासिल हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। आज के दिन आप किसी भी मुश्किल या फिर अथवा निर्णय की स्थिति अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहने वाला है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई भी मुश्किल आए, परेशानी आए तो आपको निर्णय लेने से पहले किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेना आवश्यक रहेगा। दोस्तों बिना अनुभव के कोई भी कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए, आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों की या फिर अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना जरूर चाहिए। चीज़ों को करने से अनुभव होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी चीज़ जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक आपको उसका अनुभव तो होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिनको बिना अनुभव के करना ही करना नहीं चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले ली जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बिना अनुभव के कुछ नहीं करना चाहिए। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अनहोनी घटित हो सकती है। आपको बता दें कि कोई प्रिय व्यक्ति हो सकता है या फिर आपका कोई घनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा आपका मेलजोल बढ़ रहा हो, उसके साथ में कुछ दुर्घटना घट सकती है जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है और दोस्तों आपको इससे दुख का अनुभव भी होगा। इस समय जो आप अपने जीवन में वर्तमान में कर रहे हो, चाहे वो
कोई भी कार्य क्यों ना हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, उस पर ही आपको अपना पूरा ध्यान फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि नए व्यवसाय या फिर जो भी आप नया करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी हासिल करना आवश्यक रहेगा। नौकरी में टारगेट हासिल करने के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होगी, यानी कि आपको थोड़ा ज़्यादा आत्मबल या फिर जोर लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करने की भी आवश्यकता होगी। थोड़ा ज़्यादा ही उस चीज़ में आपको मन लगाना पड़ेगा, तभी वो कार्य पूर्ण तरीके से हो जाएगा, वरना दोस्तों आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो आपसे थोड़े नाराज़ हो सकते हैं। बात कर लेते हैं व्यर्थ के कामों से, आज आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए और केवल आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बड़ी समस्या का हल दोस्तों किसी व्यक्ति की मदद से आज आपको प्राप्त होगा और आपके मन में जो विचार गलत उत्पन्न हो रहे हैं वो थोड़े से नकारात्मक विचार हैं, कुछ अच्छे विचार भी हैं, सकारात्मक विचार भी हैं, उन पर दोस्तों आपको पुनर्चिंतित करना यानी कि दोबारा से उसके बारे में सोच विचार करना अच्छा रहेगा। यदि नकारात्मक विचार है तो दोस्तों विचारों को जड़ से मिटाना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन आपके जीवन में जो विचार होते हैं वो थोड़े से अगर नकारात्मक हो तो जीवन दोस्तों उसी राह पर चलने लगता है। यानी कि दोस्तों जीवन में अगर लाख खुशियां हो लेकिन अगर मन ही आपका खुश नहीं रहेगा तो फिर धीरे धीरे जीवन में जो खुशियां हैं वो भी धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये करना होता है जीवन में कि अपने मन को आपको खुश रखना बहुत ज़रूरी रहेगा और अपने मन के नकारात्मक विचारों को दूर करना, अपने मन से उन्हें निकाल देना, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय हम आपको ये बता देते हैं कि जितना आपसे हो सके उतना आपको भक्ति में हो जाना चाहिए, यानी कि प्रभु की आराधना करनी है, उनकी शरण में जाना है। और आपको बता दें कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन में जा सकते हैं, खाटू श्याम जी के भजन सुन सकते हैं। इन चीज़ों से जो मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो सब दूर हट जाते हैं और मन में एक नई किरण जागती है जिससे आपका मन और प्रफुल्लित होता है और आपके जीवन में आप खुश रहना सीख जाते हैं। मन में एक उम्मीद रहती है, आशा रहती है और जीवन में आपके जो खुशियाँ हैं उनका आप आनंद लेना सीख जाते हैं। परिवार के साथ में भी बैठिए, बातें करिए, उनके साथ में थोड़ा समय व्यतीत करिए और परिवार के लोग कितने खुश हैं, किन चीज़ों को लेकर दुखी हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप पुनः एक नई तरीके से जीवन देना शुरू कर देंगे। दोस्तों इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी इससे और इस समय में बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है, इस कारण आपका लक्ष्य की ओर बढ़ना आपके लिए और अच्छे से संभव हो पा रहा है। अपने कार्य क्षमता और योग्यता के लिए बेहतर परिणाम आपको हासिल हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपनी बातों का और अपनी चीज़ों का बखान ना करें, अपने गुस्से पर और अपने ईगो पर काबू रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे आगे तक जाने वाले इंसान बनेंगे, यानी कि अपने जीवन में आगे तक आप कुछ पा पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।